अभी जो है अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप अपने? MBBS स्टूडेंट हूँ मैम, और MBBS साथ में अभी पढ़ाई भी जारी है? हाँ जारी है। कथा भी जारी है? हाँ सब जारी है। कितने वर्ष से आप कथा कर रहे हैं? जब मैं 4 साल की थी तब से मैं स्टार्ट कर दी थी मैंने भजन गाना कथा करना। अब बचपन 4 साल में शुरू कर दिया? अब बस बचपन जितना बनता था वैसा कर। मैं शिवरंजनी तिवारी हूँ और आप सभी लोगों ने तमाम चैनल से मुझे कवरेज किया था जब मैंने गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक पदयात्रा की थी, तो करीब 1.5 महीने का सफ़र था मेरा ये, और इसमें तमाम सभी चैनल ने मुझे कवरेज किया था। और आज मैं यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन करने यहाँ पर आई हुई हूँ, और मैं MBBS स्टूडेंट हूँ, और मैं यहाँ पे स्पेशल राम जी के दर्शन करने के लिए, जो प्राण प्रतिष्ठा जो इतने सालों से लोगों का सपना था वो आज पूरा होने जा रहा है, इस बार हो रहा है पूरा, तो मैं उसके दर्शन करने स्पेशल छुट्टी लेके आई हूँ। कब आप यहाँ पे अभी आ रहे हैं कि पहले आए हैं? मेरी इसके पहले 2 साल पहले मेरी कथा हुई है यहाँ पे, हनुमानगढ़ी जो वहाँ पे राम जन्मभूमि मैदान है वहाँ पे मेरी राम कथा ऑलरेडी हो चुकी है 2021 में, जब मोदी जी गए थे ना पूजन करके, भूमि पूजन करके, उसके बाद में मेरी कथा हुई थी। यहाँ के बारे में बताइए, अभी आ रहे हैं कि पहले आए थे? अभी तो आ रहे हैं यहाँ, तो पहली बार आ रहे हैं। कितने दिन यहाँ पे आपको जाना है? जब तक राम जी के दर्शन नहीं होंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने यहाँ के जाने के 23 तारीख तक आप यहाँ पे? हाँ बिल्कुल आराम से। दिनचर्या के बारे में बताइए, कैसे आपके तक आपके जैसा और लड़कियाँ बन सकती है? तो हर किसी से यही प्रार्थना करती हूँ जो भी मुझे देखता है ना चैनल में, कि हम सभी लोग सनातन से जितना हो सके जुड़े रहें, क्योंकि आजकल सनातन संस्कृति को लोग एक मजाक समझते हैं, अपने आप को बैकवर्ड फील करते हैं अपने आप को सनातनी बताने में, और अपने आप को हिंदू बोलने में कई लोग बैकवर्ड फील करते हैं। सेम वही हालत है, जैसे भारत बोलो तो थोड़ा बैकवर्ड लगता है, इंडिया बोलो तो हम थोड़े महान लगते हैं, तो ऐसे करके मतलब लोग सनातन से दूर हो चुके हैं। तो मैं सबको यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि सभी लोग आइए सनातन से जुड़िए, जो आपकी संस्कृति है उसको खोते मचाइए। महिलाओं तमाम लड़कियों को देखते हैं कि भागवत कथा रामायण देखना नहीं चाहती, वो लोग तो भोजपुरी या मगही सॉन्ग सुनते हैं, उनके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? वो लोग कब भटक रहे हैं रास्ता, इस रास्ता पे कब आएंगे? जब तक वो अपने खुद से नहीं ठान लेंगे कि हमको बदल लेना है, हमको अपने जो मार्ग हमने चुना है उसको सही से उसको फॉलो करना है, तब तक उनका कुछ हो ही नहीं सकता। और आजकल तो सब कुछ मजाक ही बन चुका है लगभग, तो ऐसा अब क्या कर सके, अब लोग भी उनको बुला ही रहे हैं, लोग भी उनको पसंद कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ठीक है जिसका जो कर, अब क्या कर सकते हैं, हम तो केवल बोल ही सकते हैं कि ऐसा मत करिए गलत है, लेकिन अब ठीक है। इनको कैसे बदलाव आएगा? हर जगह रामायण, हर जगह रामधुनी भी हो रहा है, फिर भी वो लोग में बदलाव नहीं आ रहा है। देखिए ऐसा है कि भगवान की भक्ति होती है, कई लोग भागवत कथा करना स्टार्ट करते हैं, कई लोग राम कथा, इवन अब तो जो नॉन ब्राह्मण्स हैं, क्योंकि जो वेदों में सबको अधिकार दिया गया है ये तो ब्राह्मणों को अधिकार है, लेकिन अब नॉन ब्राह्मण्स भी इसका अधिकार ले रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं लीजिए, लेकिन उसका अच्छे से उपयोग कीजिए। मकसद सिर्फ एक है भगवान से जुड़ना, मकसद सिर्फ एक है अपनी संस्कृति से जुड़ना, तो अब उनको बदलाव लाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके हिंदुत्व को आज के समय में मुझे जो लगता है इस जनरेशन में कोई जगा रहा है तो वो है परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, बागेश्वर धाम सरकार, इन्होंने काफी अहम भूमिका लगाई है अपनी यंग जनरेशन को पूरा सनातन से जोड़ने में, तो बस मैं तो उनकी फॉलोवर हूँ, बहुत बड़ी फॉलोवर उनकी। अगर कोई चाहते हैं कि नहीं हम भी मैंने कथावाचक का काम करें या उनका शिक्षा ले, तो उनके लिए उनको कहाँ पे संपर्क करना पड़े, क्या मार्ग उनको है? उनका मार्ग है सबसे पहली बात तो पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चों को, कोई मतलब माता पिता को भी नहीं होता है, डाले हैं 3-4-5 ऐसा नहीं देखते हैं कि उसको कोई मतलब पढ़ा लिखा दिया अपना माथा हल्का कर लेती है, गांव देहात की बात। हाँ तो यही जो है, तो इस तरह से, लेकिन अकेला व्यक्ति चाहे कि हम ऐसे सब कुछ कर ले जरूरी नहीं है, उसके लिए बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और ऐसा अपने आप की देखो भाई हम लोग पढ़ा दिया है चलो हो गया, हमारी छुट्टी हो जाए हम लोग फ्री हो चुके, अगर इस तरह की अगर मेंटेलिटी हो गई है लोगों की जो माता पिता की हो गई है, तो फिर उनका वो दिन दूर नहीं कि जो हमारे साथ जैसे कश्मीर में हुआ था, ये सब जो हालतें सब हुई थी, अपने बच्चों को खास करके अपनी संस्कृति से दूर रखना, तो अगर माता पिता अगर ऐसी सोच रख रहे हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं है जो हुआ था। बस यही संदेश है कि ऐसा बोलने से नहीं होता ना, कि अपनी जो दायित्व आपको दिए गए हैं तो वो एटलीस्ट उसको तो निभाना ही चाहिए ना, बच्चों को मार्ग पे लाना तो माता पिता का ही काम है ना, अगर माता पिता भी नहीं कर पा रहे तो फिर उनका भविष्य पूरा समाप्ति समझ लो, ठीक है जब तक राम जी चाह रहे हैं तब तक रह रहे, तब तक उसके बाद फिर क्या ही बताना। आपसे भी बात करने का मौका मिला कि 4 साल से आप कथा कर रहे हैं? हाँ बचपन से कथा कर रही हूँ मैं, और आप सभी लोग मुझे जानते भी हैं, सब लोग यूट्यूब में मेरा नाम काफ़ी, और मेरे ऊपर तो विशेष करके बागेश्वर धाम सरकार की कृपा है और बालाजी की कृपा है, जो भी जितना भी लोग मुझे जानते हैं यूट्यूब में सब, वो सब बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर बालाजी सरकार की। आपका अपने दिनचर्या के बारे में बताइए कि कितना घंटा आपको जो है उसमें जिसे कथावाचक का काम करते, उसके लिए तो प्रयास भी तो करना पड़ता होगा, तैयारी भी तो करते होंगे, तो कैसे तैयारी करते हैं, कितना घंटा उसमें आप बिजी रहते हैं? एक समय के बाद में ऐसा होता है कि सब कुछ याद हो जाता है और भगवान से हम इतना प्रेम
ब्लेम करने लगते हैं कि हमको सोते उठते बैठते वो चीजें हमारे दिमाग में अपने आप होने लगती है। फिर भी थोड़ा बता दीजिए। जैसे मैं बचपन से मैं करती आई हूँ, जैसे मैं मेरा तो MBBS की तरफ रुझान कोविड काल में ही आया कि जब कोरोना में डॉक्टर्स की कमी हो रही थी, और चूंकि मैं थी तो भागवत कथा, मैं आर्ट लाइन में थी, लेकिन उसके बाद मैंने 11th में आर्ट नहीं लिया था, मैंने बायो ले ली थी कि चलो मेरी मम्मी कैंसर रिसर्च डिपार्टमेंट में है, HOD है, तो मैंने सोचा कि जब मम्मी इतना पढ़े लिखी है, पापा इंजीनियर है मेरे, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर लूँ, तो मैंने जस्ट यूँ ही बायो ले लिया। और जब कोविड काल आया तो मैंने सोचा चलो भाई एक साल का ड्रॉप मार्केट नीट पढ़ लें और फिर MBBS में सिलेक्ट हो जाए, और उसी तरफ से फिर मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया, और फिर जो मेरी कथा भागवत जो बचपन से मेरा रूटीन था वो तो जारी रहा ही रहा, अब एक साथ में नया रूटीन और जुड़ गया है जो कि MBBS का। और साथ ही में हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग हरिद्वार में रहते हैं, तो हमारे घर से थोड़ी दूर में पड़ता है ऋषिकेश, वहाँ पे एम्स बैराज कैंप है, तो हमारा एक प्रोडक्ट चलता है, हम निःशुल्क सेवा करते हैं मार्कंडेय दर्दनाशक तेल की, जिस वजह से जॉइंट पेन होता है, घुटना कमर गठिया व साइटी का जोड़ों का दर्द, तो उसके हम लोग शर्तिया इलाज करते हैं, तो इसकी हम निःशुल्क सेवा जो विकलांग होते हैं, जो अनाथ होते हैं, जो इस तरह से मिलते हैं हमको, तो हम ऋषिकेश बैराज कैंप में एम्स के सामने इसका हम लोग निःशुल्क शिविर लगाते हैं। इस तरह से हम लोग बचपन से सेवा भाव करते आए हैं। आपसे जुड़ने के लिए थोड़ा सा बताओ आपका चैनल क्या है, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, मैंने जो भी लड़कियाँ विभाग के लोग हैं वो वीडियो को देखेंगे और वो जुड़ना चाहेंगे तो कैसे हुआ आपसे जुड़ सकते? लगभग सभी लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम शिवरंजनी तिवारी है और मेरा चैनल का नाम भी शिवरंजनी तिवारी ही है, और उसी के माध्यम से आप सभी लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से सब मिल जाएगा आपको। तो चलिए साथियों, जानकारी लिए, काफी ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, अभी मुलाकात है, काफी और मीडिया वाले भाई भी हैं, वो भी रिपोर्टिंग करेंगे। जय हिंद जय भारत। साथियों अभी देख सकते हैं इंटरव्यू करने वाले हैं, आप इनको पहचानते होंगे यूट्यूब पे, राजनंदिनी के नाम से इनका जो है यूट्यूब चैनल, और 4 साल के वर्ष से ही अपना कार्यकाल भागवत कथा के संबंध में 21-22 यहाँ पर, तो आज आए थे, तो 4 साल के 4 साल की उम्र से ही अपना जो है कथा कर रहे हैं, और यूट्यूब के माइनस यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से वो काफ़ी फेमस भी हैं, तो सौभाग्य हम समझते हैं कि आज हमको भी मौका मिला यहाँ पे कभी इंटरव्यू करने का,